इस दुनिया में दो तरीके के लोग हैं, एक वो जिनके पेट में ब्लैक होल है, ये जितना भी खाएं समझ नहीं आता कि जा कहां रहा है। ऐसे लोग चार चार प्लेट मोमोज की खा जाते हैं चटनी में डुबो डुबो के, और मजाले कहीं 100 ग्राम वेट बढ़ जाए इनका। ऐसे लोगों के पास अलौकिक शक्तियां होती हैं, खुद भगवान ने इनके सर पे हाथ रखा होता है कि बेटा तू जितना ठूसना चाहता है ठूस, कुछ नहीं होगा तुझे, तू ऐसे का ऐसा ही रहेगा। और फिर आते हैं मेरे जैसे लोग जो फोटोसिंथेसिस पे चलते हैं। हमें मोटा होने के लिए खाना खाने की जरूरत नहीं है, हम खाने को घूर के देख ले लालच भरी नजरों से तो सारी की सारी कैलोरीज ट्रांसफर होके हमारे ऊपर आ जाती हैं और 2-4 किलो वेट तो सोए सोए बढ़ जाता है। ये अंदाजा है आपको कितना मुश्किल होता है जब आपकी फेवरेट डिश सामने प्लेट में बड़ी आपको आवाजें मार रही हो, मुझे खा जा, और आपका वेट आपको कह रहा हो बहन ना जा। और लोग ना हमें अजीबोगरीब रेमेडीज बताते रहते हैं, ये करो इससे वेट कम हो जाएगा। जैसे कि वो नींबू शहद वाला आपने सुना होगा, मैंने 3 महीनों शहद और नींबू ट्राई किया, मेरे 4 किलो नींबू और आधा किलो शहद। जब घर में बच्चा पैदा होता है तो माँ कहती है इसकी नाक तो मुझ पे गई है, पापा कहते हैं इसकी आँख तो मुझ पे गए हैं, चाचा कहते हैं इसके बाल तो मुझ पे गए हैं, बुआ कहते हैं इसकी स्माइल तो मुझ पे गई है। और वही बच्चा जब जवान होकर कोई लड़की छेड़ देता है तो सब लोग यही कहते हैं, पता नहीं साला ये हरामखोर किस पे गया है। मर्द कभी किसी लड़की का दिल नहीं तोड़ता, वो कहता है तू भी आ जा तू भी आ जा तू भी आ जा। भाई मैं तेरे को रील या फिर मीम भेजता हूँ ना, तो मेरे को ये रिप्लाई नहीं चाहिए कि मैं पहले ही देख चुका हूँ। अगर तू पहले ही देख चुका है तो फिर से देख उसको, रिएक्ट कर उस पे, हंसने का इमोजी डाल 4 ऐसा डाल, लॉल लमाओ ये सब आना चाहिए। अरे क्या गलत क्या करता हूँ मैं, दिन भर अच्छे अच्छे मीम्स रील देख के तेरे को भेजता रहता हूँ कि तू भी खुश रहे। कितना मीम भेजता हूँ, ज्यादा भेजता हूँ क्या, 150-200 भेजता हूँ, उससे ज्यादा तो नहीं भेजता। रिएक्ट करने में क्या जाता है तेरा, रिएक्ट कर। अगली बार ये डायलॉग नहीं आना चाहिए कि मैं पहले ही देख चुका हूँ। जिस दिन आपकी लड़ाई आपकी बीवी से होती है उस रात को वो करवट ऐसा बदलती है जैसे कोई भूकंप आ गया हो, धड़म धड़म, और सांस इतना जोर जोर से लेंगी ऐसा लगेगा आपके बगल में आपकी बीवी नहीं कोई नागिन लेटी हुई हो। फिर आप उससे कहेंगे अरे सोने दो ना यार नींद आ रही है, आपको तो नींद नहीं बे करेगा, ठूस जो लिए है आपको नींद नहीं आएगा तो किसको आएगा। फिर वो अचानक से खड़ी हो जाएंगी, मैं क्यों नहीं खाऊंगी, हाँ मैं फ्री का थोड़ी खाती हूँ, खटती हूँ तब खाती हूँ। फिर किचन में चली जाएंगी, गप 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 गप, कौन रोकेगा हमको, क्यों नहीं खाएंगे। फिर आपके बगल में आकर लेट जाएंगी और पत्थर दिल निर्दयी एक बार पूछे भी नहीं कि खा ले, अब मुंह उधर घुमा कर रखेंगे कि इधर भी घूमिएगा। उसके बाद की कहानी आपको मालूम है, पता नहीं ये कौन सी लड़कियां होती हैं जिनके हस्बैंड उनके बेस्ट फ्रेंड होते हैं। यहाँ मेरा वाला तो सब कुछ है, सास ससुर देवर जेठ ननद सब कुछ सिवाय बेस्ट फ्रेंड के।